खून में जोश नहीं सारा वो खून ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो गाइस यार आज फिर से होने वाला है दिवाली स्टार्स का टेस्ट। आज क्या क्या है बाबा? मेरे फेवरेट, आज बाबा के फेवरेट पटाखे चलेंगे, उन्हीं की हम टेस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे हैं और एक फेवरेट पटाखा मेरा भी है, जो कि आज हम टेस्ट करने वाले हैं, ये है ड्रोन पटाखा। जी हाँ गाइस, तो ये है हमारे पास मल्टी विसिल रॉकेट। जी हाँ गाइस, अनिल का है मल्टी विसिल रॉकेट। तो गाइस यार ये कितने का है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट होती है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इनके अंदर मल्टी म्यूजिक रॉकेट चलेंगे। जी हाँ गाइस, एक ही पैकेट है, इसका टेस्ट करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास है यहाँ पर फॉल इन लव। जी हाँ गाइस, तो ये है फॉल इन लव। अब ये कैसा है ये मुझे नहीं पता, इसका भी टेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ मेरे पास है यहाँ पर स्टारडम। जी हाँ गाइस, तो इसके ऊपर कोई भी फ्यूज नहीं है, ये यहाँ से चलेगा। और साथ ही साथ मेरे पास है यहाँ पर अनिल का मैजिक। इस पैकेट के अंदर आप देख सकते हैं इसके ऊपर प्राइस तो 230 रुपये लिखी हुई है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता ही मिल जाता है। इसके अंदर दो पीस आते हैं, ये देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। जी हाँ गाइस, और साथ ही साथ हम करेंगे इसका टेस्ट। ये है पिकॉक डांस। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर भी बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है, ये देखो इस तरीके से खुल जाता है और फिर इसे इस तरीके से रख दिया जाता है और फिर यहाँ पर ये जो फ्यूज़ है देखो इसमें आग लगा दी जाती है और फिर होता है कमाल का मैजिक। और सबसे लास्ट में मेरे पास है यहाँ पर ड्रोन। जी हाँ गाइस, तो इसके अंदर है बहुत सारे ड्रोन। जी हाँ गाइस, आज बस इन्हीं पटाखों की टेस्टिंग करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक पटाखा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 जो ड्रोन है वो हैं। तो गाइस यार एक को तो मैं आपको अभी चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्यूज़ है, इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखते हैं और फिर जो है इसे चलाते हैं। तो ये था ड्रोन पटाखा। जी हाँ गाइस, बहुत ही शानदार है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये फेल नहीं होता है। दूसरे कुछ पटाखे आते हैं वो फेल हो जाते हैं, ऊपर आसमान में लॉन्च अच्छे से नहीं हो पाते। तो गाइस यार इसकी टेस्टिंग तो हो गई, लेकिन रात को इसका जो नज़ारा है वो और भी ज़्यादा शानदार आता है, इसीलिए रात में भी करेंगे और रात में करेंगे हम इसकी और इन सभी की टेस्टिंग। और ये हम क्यों करते हैं आपको पता है ना, हम ये इसलिए करते हैं ताकि आपको दिवाली से पहले ही ये पता पड़ जाए कि हमें कौन सा पटाखा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और मज़ा भी दोगुना हो जाएगा। तो आप जो है मज़े को दोगुना कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मज़ा दोगुना हो जाए। और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, आए हाय हाय हाय, क्या ही बोलो यार। तो चलो अभी फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं करता हूँ अंधेरा इन 3 2 1 अंधेरा। तो गाइस यार अंधेरा भी हो चुका है, सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसका। ये है अनिल का मल्टी म्यूजिक रॉकेट, यानी कि इसके अंदर से म्यूजिक वाली चीजें बाहर निकलेगी। तो सबसे पहले इसका जो कवर है इसे अपन हटा देते हैं और इस चीज को जमीन पे कुछ इस तरीके से रख देते हैं ताकि ये गिरे ना। उसके बाद में अब इसे चला के देखते हैं, ठीक है गाइस? नहीं नहीं भैया, ये सही तरीका नहीं है, अगरबत्ती से चलाते हैं। अच्छा ये सही तरीका नहीं है। हाँ गाइस, मैं आपको बताना भूल गया, ये तरीका सही नहीं है पटाखे चलाने का। पटाखे चलाने के लिए कभी भी आप माचिस का इस्तेमाल ना करें। आप देख सकते हैं कि इस पटाखे के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इसे बिल्कुल सीधा रखें और किसी भी नेकेड फ्लेम वाली चीज़ का इस्तेमाल ना करें, हमेशा अगरबत्ती से ही इसे जलाएं। तो अब इसे नीचे रखते हैं और अब इसे चला के देखते हैं कि ये कैसे चलता है। तो गाइस यार ये चीज़ बहुत प्यारी थी यार और ये बहुत ज़्यादा सही भी थी यार। इसके अंदर से मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि मतलब कि अच्छा ना हो, सारी चीज़ें अच्छी थी। इसके अंदर से विस्ली मतलब कि म्यूज़िक वाले छोटे छोटे से म्यूज़िक वाली चीज़ें निकली और ऊपर गई शू शू शू, बहुत ही मस्त था यार गाइस, ये यकीनन बहुत बढ़िया था। अब ट्राई करते हैं दूसरा वाला। अब चलाते हैं इस ड्रोन को। गाइस ड्रोन को अपन ने दिन में भी चला के देखा, वो बहुत ही मस्त तरीके से ऊपर जाता है। अब इसे शाम के टाइम में चला के देखते हैं कि शाम के टाइम में इसका जो नज़ारा है वो कैसा आता है। ऑलराइट गाइस, तो इसे रखने का तरीका काफ़ी सिंपल सा है, किसी प्लेन जगह पे इसको रख दो और उसके बाद के अंदर इसे चला दो। बहुत ही प्यारा, एक और चलाते हैं यार। देखा आपने कितना मस्त है यार गाइस, चलो एक और चलाते हैं। और अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो इसके साथ में एक बहुत शानदार सी ट्रिक भी करेंगे और वो जब वो ट्रिक करेंगे तो उसे देखना मत भूलना। इसे भी ट्राई करते हैं।
अब चलाते हैं इसे, ये है पिकॉक डांस। तो देखते हैं कि मोर किस तरीके से अपना डांस दिखाता है। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मोर बना हुआ है, तो नीचे इसके रखने के लिए है। इसको ऐसे करते हैं और ज़मीन पे रखते हैं। अब इसे चला के देखते हैं। तो गाइज यार, कुछ इस तरीके का था पिकॉक डांस। आपने देखा, काफ़ी अच्छा था। आपको ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब करते हैं किसी और को ट्राई। अब चलाते हैं इसे, ये है विनीता का स्टारडोम। जी हाँ गाइज, तो इसकी बत्ती तो मुझे नहीं दिख रही है, तो यहाँ से आई थिंक इसको चलाना होता है। तो यहाँ से इस पन्नी को हटाते हैं। गाइज यहाँ पे, यहाँ से इसको चलाना है। ये देखिए, यहाँ से चलो चलाते हैं। तो ये था स्टारडम गाइस। अब चलाते हैं अनिल का मैजिक। तो ये है अनिल का मैजिक। अब देखते हैं कि इसके अंदर से क्या मैजिक होता है। जुम 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 जुम। तो गाइस देखा आपने, ये था अनिल का मैजिक। मैजिक ऐसा था कि मतलब कि पहले हल्का सा फुफ हुआ, उसके बाद में छोटी छोटी सी चक्रिया इसके अंदर से बाहर निकली और फिर वो गोल 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 घूमने लगी। गाइस अब चलाते हैं सबसे फाइनल और सबसे तगड़ा फॉल इन लव। तो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन फॉल इन लव। अब देखते हैं कि ये कैसे चलता है। तो पहले इसका ये कवर हटा देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसकी बत्ती है। चलो अभी इसे चला के देखते हैं कि कैसे हम फॉल इन लव होते हैं। यार ये वाला पटाखा गाइस काफी देर तक चला, सबसे लास्ट था। सही में फॉल इन लव हो गए, हमें एक दूसरे से प्यार हो गए। आपको प्यार हो जाना चाहिए हमसे, तो ऐसे ही प्यार भरी बातें करिए सबसे और हमें भी थोड़ा प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है। बाकी अभी पिक्चर अभी बाकी है गाइस, अभी तो और भी पटाखे जिनकी टेस्टिंग करना बाकी है, आपकी ताकि आपको पता पड़े कि आपको कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना। आपने देखा ना, डिसाइड कर लेना इस दिवाली को कौन सा लेना है। बाकी हम मिलते हैं।